रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाला नवंबर का महीना किन किन राशि वाले लोगों के लिए भाग्यशाली रहने वाला है। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस नवंबर के महीने में किन किन राशि वालों की किस्मत अब चमकने वाली है। दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि नवंबर के महीने में ग्रहों में गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है और यह संकेत दे रही है कि यह महीना कुछ विशेष राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और फलदायी रहने वाला है। तो आखिर ये राशियाँ कौन सी हैं, इन्हें क्या लाभ होगा, चलिए आपको हम आज इस वीडियो में बताते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन राशि वालों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उन राशि वालों की नवंबर के महीने में ग्रह दशा बदलने के कारण इनके जीवन में अब कई सारे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि नवंबर के महीने में कार्तिक मास की शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि नवंबर के महीने में कार्तिक मास चलेगा और ये कार्तिक का शुभ महीना पूरे नवंबर के महीने तक रहने वाला है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कार्तिक का महीना बहुत ही ज़्यादा खास माना जाता है। इस महीने पूजा पाठ, व्रत त्यौहार और मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और कार्तिक महीने में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि नवंबर का ये महीना कुछ विशेष राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ और फलदायी रहने वाला है। और दोस्तों, इन राशि वालों को अब इस महीने में काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा जो इन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये नवंबर का महीना इन राशि के लोगों के लिए कुछ बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको पूर्व के अनुसार बेहतर परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। तो वहीं दोस्तों, जो लोग स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें भी इस दौरान अच्छा खासा धन का लाभ प्राप्त होगा। जो नया बिजनेस करने की तैयारी कर रही हैं, उनको भी भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि इस वक्त आप अपनी क्षमताओं का, अपने स्किल्स का भरपूर प्रयोग करते हुए अवसरों का लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। तो वहीं पिछले काफ़ी समय से जिस जिम्मेदारियों से आपको नवाजा गया था, उन्हें भी पूर्ण करने में आप कामयाब रहेंगे। जी हाँ, बता दें कि इस समय पिछले समय में की गई मेहनत का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो वहीं आपके कार्यों के बदौलत मान सम्मान में भी आपकी वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत होगा। तो वहीं चल और अचल संपत्ति से आपको लाभ मिलने का भी योग इस दौरान बन रहा है। यदि पैतृक धन एवं कुटुंब से जुड़ी परेशानियां आपकी चल रही थी, तो उससे निजात आपको अब मिल जाएगी। अगर आप कोई संपत्ति इस दौरान खरीदना चाहती हैं, तो वह भी आप खरीद सकती हैं। अपनी जायदाद को आप बढ़ाने में इस दौरान सफल रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से जीवन साथी के साथ जो आपके वाद विवाद चल रहे थे, वह अब समाप्त होंगे और आप दोनों के मधुर संबंध अब बनेंगे। इसी के साथ दोस्तों, जीवन में आपके चल रही उलझनें भी अब समाप्त होंगी। आपके आय के स्रोतों में इस दौरान गुणात्मक परिवर्तन आएगा। अब आप कह सकेंगे कि कई महीनों की मुशक्कत के बाद एक दुर्लभ और खुशगवार समय आपको मिल रहा है। जी हाँ, यह वक्त अब आपको पद प्रतिष्ठा एवं विकास से जुड़ा आनंद प्राप्त करवाएगा। यदि आपका कोई कार्य रुका हुआ था,
तो वह कार्य भी अब पूरा होगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि हर काम बिना रुकावट के आपके इस दौरान पूरे होते जाएंगे। जहाँ एक ओर नौकरी पेशा वर्ग के लोगों को प्रमोशन मिलेगा, तो वहीं इस वक्त युवाओं को भी शिक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष तौर पर जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं या फिर भौतिक शास्त्र रसायन कक्षा के विद्यार्थी हैं, वह अपनी उम्मीदों में खरे उतरेंगे। जी हाँ, फिजियोथेरेपी, डॉक्टरी एवं सिनेमेटोग्राफी, अभिनय, संगीत, कला एवं खेल कूद से जुड़े हुए जातक भी इस दौरान बड़े लाभ पाने के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ, जहाँ इस 6 नवंबर से नौकरी एवं कार्य से जुड़ा धन आपको प्राप्त होगा, तो वहीं कार्य से जुड़े नए अनुबंध भी आपको प्राप्त होंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करना चाहेंगे तो वह भी आपको मिल जाएगा। लोन के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो लोन भी आपके मंजूर होंगे। इच्छित जगह पर स्थित होकर कार्य यदि आप करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर वह भी आपको प्राप्त होंगे। बता दें कि नवंबर के महीने में गुरु और शनि की युति आपको गुप्त एवं आकस्मिक धन भी प्रदान कराने वाली है। विशेष तौर पर जो लोग अपने घर से दूर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें अपने प्रयत्नों के दम पर सफलता अवश्य मिलेगी। कोई पुराना बॉस या उच्च अधिकारी आपके लिए इस दौरान मददगार सिद्ध होगा। दोस्तों, जहां शादी विवाह से संबंधित वार्तालाप आपकी सफल रहेगी, तो वहीं व्यापार का आरंभ करने की ओर आप आगे बढ़ पाएंगे। नए अनुबंध पर हस्ताक्षर आपके होंगे। इस वक्त आपके विरोधी द्वारा आपके रास्ते में मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं, इसलिए आप को सचेत भी रहना होगा। तो वहीं दोस्तों, इस वक्त कारोबार में कोई नया प्रस्ताव मिलने का भी आपको योग बन रहा है। यदि आप अपने व्यापार का विस्तार करना चाहती हैं तो आप वह इस दौरान कर पाएंगे। कार्य से जुड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे। पुराना कोई निवेश इस वक्त आपको लाभान्वित करेगा। इस वक्त शेयर बाजार से भी आप लाभ होने की उम्मीद कर सकती हैं। दिवाली पर सबसे बड़ा धमाका प्रेम विवाह को लेकर होने वाला है। जी हाँ, यदि आप सिंगल हैं, किसी उचित साथी की तलाश में हैं, तो इस वक्त आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आंखें आपकी चार हो सकती हैं जो भविष्य में आपका मार्गदर्शक बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके नए प्रणय संबंध बनेंगे। तो वहीं जो लोग प्रेम जीवन से गुजर रहे हैं, उन्हें भी महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान रोमांस और रोमांच भरे लम्हे आप व्यतीत करने के मौके आपको मिलेंगे और यही आपके प्रेम को और अधिक मजबूत बनाएंगे। इस दौरान नए रिश्ते को आप और आगे ले जाएंगे। तो वहीं इस वक्त आपका विवाह भी संभव है, फिर भी किसी तीसरे की वजह से आपके प्रेम संबंध में विच्छेद होने की भी योग बन रहे हैं। नियमों का उल्लंघन आपको मुसीबत में इस दौरान डाल सकता है, इसलिए इस विषय में आपको सावधानी भी बरतनी है। दोस्तों, अब चलिए आपको हम बता देते हैं कि आखिर वह भाग्यशाली राशियाँ कौन सी हैं जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि वह भाग्यशाली राशियां हैं मेष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।